वाजह करने की कोशिश की है उन पर तदब्बर की एक निगाह डाल लेनी चाहिए पहली बात ये थी कि क़ुरान मजीद ने जब ये बयान किया कि अहल किताब बनी इसराइल यहूद के लमा अगर तुम इस दावत को कबूल करना चाहते हो और तुम्हें इसको कबूल करना चाहिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है तो यकीन इसमें कुछ मुश्किल पेश आएंगी। अपनी अनानियत को छोड़ना पड़ेगा तमरुद और सरकशी को छोड़ कर हक़ के सामने सर झुकाना पड़ेगा हकायक का एतराफ़ करना पड़ेगा आसान नहीं होता ये बहुत मुश्किल होता है यानी जिस वक्त आदमी को मजहबी पेशवाई का मकाम हासिल हो जाए वो लोगों को बहुत सी बातें दीन की हैसियत से बता चुका हो या कुछ हकाक उनसे उसने छुपा के रखे हुए हो और उनकी गवाही देने का वक्त आ जाए ये एतराफ़ करने का मौका हो कि मैं गलती पर था मेरे सामने एक सही बात आ गई है ये बहुत मुश्किल चीज़ है यहूद के उलमा को भी ये मुश्किल दरपेश थी उसमें ये फरमाया कि सब्र और नमाज से मदद चाहो और ये बता दिया कि ये जितनी चीज़ें भी तुमको कही गई हैं ये आसान नहीं है ये एक भारी पत्थर है जिसको उठाना है लेकिन गौर करो क्या फिलवा के दिल खुदा के सामने झुका हुआ है यानी तुम्हारे दिल के आमाक में ये बात मौजूद है कि तुम खुदा के बंदे हो तो फिर इनमें से कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है और यही असल में कलीद है यानी आदमी अगर ये समझ ले कि ये मैं दीन का काम क्यों कर रहा हूँ मैं दीन का इलम क्यों हासिल करता हूँ मैंने दीन को अपनी ज़िंदगी का मौजू क्यों बनाया है मैंने बाकी काम छोड़े यानी अल्लाह ताला ने लाजिम तो नहीं किया था इंसान साइंसदान बन जाता डॉक्टर बन जाता इंजीनियर बन जाता आम आदमी की हैसियत से कहीं कोई दुकान खोल लेता कारोबार कर लेता उसने जब ये फैसला किया कि मैं दीन में तफक्को हासिल करूँगा तो इसके साथ ही उसको ये भी जान लेना चाहिए कि उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद हो गई है वो क्या है हक़ को सच्चाई के साथ जानना और हक़ की सच्चाई के साथ गवाही दे देना सबसे बड़ा काम उसका यही है इस काम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि असली चीज़ क्या चाहिए खुशु चाहिए और ये खुशु उन्हीं लोगों के अंदर पैद, पैदा होता है अज़ीन युज्नू नान मलाकु रब हिम जिन्हें ख़याल है इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ कि ख़्याल है कि अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं यानी जाहिर बात है कि इंसान इस दुनिया के अंदर यकीन के उस मकाम पर तो नहीं होता कि जहाँ आँखों से कोई चीज़ देख ली जाती है यानी दलाइल से अहवाल से शवाहिद से वो ये ख्याल करता है कि हाँ एक दिन मुझे अपने परवरदिगार के हुजूर में जाना है इसमें शक का कोई पहलू नहीं होता यानी यहाँ जो लफ्ज़ ज़न इस्तेमाल हुआ है वो असल में उस रुझान तबीयत को बयान करता है जो इंसान के अंदर मुसबत तौर पर पैदा हो चुका होता है ना कि वो किसी शक में मुबला होता है जिन्हें ख़्याल है इसकी वजाहत मैंने कर दी थी कि उन्हें अपने परवरदिगार से मिलना है अन्ना मुलाकू रब तो इसमें जो नोट था वो अगरचे मैंने पढ़ दिया था लेकिन वो कुछ तोज्जो का तकाजा करता है अल्लाह से डरने वालों की तारीफ़ में ये बात उनके बातिन को नुमाया करती है यानी ये ये बताती है कि खुशबू का असल महरक क्या है वो महरक यही है कि उन्हें ये मालूम होता है कि एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है उसकी बारगाह में हाजिर होना है उसके पास जाना है उसके सामने खड़ा होना है और वहाँ उसने पूछना है कि तुमने तो दुनिया के सारे शोबे छोड़ कर दीन के इलम का इंतखाब किया था ये तो इसीलिए किया था कि तुम्हें मेरे दीन को जानना है ना कि लोगों के दीन को अगर कोई रवायत मौजूद थी अगर आबा का कोई तरीका मौजूद था अगर तुम्हारे इस कोई बात कही थी अगर पहले व कुछ कहते रहे थे तो ये सारी चीज़ें तो तुम उजर में पेश नहीं कर सकते तुम्हें तो सच्चाई के साथ ये जानना था कि सही बात क्या है और उसकी गवाही देनी थी तो अगर ये ख्याल हो आदमी को कि एक दिन ये सूरत हाल पेश आने वाली है मैंने खुदा का काम अपने ज़िम्मे लिया था ये खुदा का काम है कि लोगों को दीन बताए दीन पहुँचाए ये जिम्मेदारी मैंने उठाई थी तो इस ज़िम्मेदारी को मुझे कैसे अदा करना था जिन्हें ख्याल है कि उन्हें अपने परवरदिगार से मिलना है अल्लाह से डरने वालों की तारीफ़ में ये बात उनके बातिन को नुाया करती है यानी अगर अंदर ये ख्याल मौजूद है तो फिर खुशबू पैदा होगा इससे वाज होता है कि वो अगर खुदा से डरते हैं तो इसी वजह से डरते हैं कि आखिरत में खुदा के सामने हाज़िरी का अंदेशा रखते हैं ये अंदेशा ना हो तो फिर खुदा से डरने की कोई वजह नहीं है यानी भेज दिया उसने दुनिया में आपको मौका दे रखा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में कोई तकलीफ दे लेगा उसके बाद मरना है और मिट्टी में मिल जाना है अगर यही बात है तो फिर इंसान दुनिवी तदबीरों ही के अंदर रहकर अपनी स्कीम बनाएगा उसी के मुताबिक सोचेगा लेकिन अगर उसको ये एहसास है कि मुझे एक दिन अपने परवर से मिलना है तो फिर वह हकीकी खुशबू पैदा होगा जो आदमी को एतराफ़ हक और शहादत हक पर आमादा करता है और ये जो फरमाया था कि उन्हें ये ख्याल है कि अपने परवरदिगार से मिलना है और एक दिन उसी की तरफ पलट कर जाना है यानी वो समझते हैं कि मरने के बाद उन्हें उसी एक परवरदिगार के सामने पेश होना है जो रोजे जजा का तन्हा मालिक है यही तोहीद पर ईमान का तकाजा है यानी जिसको हम सूरह फातिहा में बयान करते हैं ना मालिक के वो दिन किसी और की मलकियत में नहीं है और उसकी मलकियत में किसी दूसरे की शराकत भी नहीं है तनहा परवरदिगार होगा तनहा हम होंगे और हमें उसके सामने खड़ा होना है यानी वो समझते हैं कि मरने के बाद उन्हें उसी एक परवरदिगार के सामने पेश होना है जो रोजे जजा का तनहा मालिक है जिसके फ़ैसलों पर वहाँ कोई अंदाज़ ना हो सकेगा अदना दर्जे में भी वो ये नहीं समझते कि कोई उसके फ़ैसलों को रद्द कर सकेगा कोई उसके हुजूर में खड़ा होकर उनको बचा लेगा कोई इस तरह की शफात कर सकेगा कि खुदा की मर्ज़ी तो नहीं है लेकिन उसके तदल्लुल के नतीजे में खुदा उसकी बात मान लेगा इस तरह की हर चीज़ के बारे में वो ये जानते हैं कि लघवियात है, इनकी कोई हकीकत नहीं है वहाँ किसी को बोलने का यारा नहीं होगा अल्ला कि वही परवरदिगार इसकी इजाज़त दे जिसके फैसलों पर वहाँ कोई असरअंदाज ना हो सकेगा जिसके गज़ब से अगर पनाह मिलेगी तो उसी के दामन में मिलेगी रसूल सल्लम की दुआओं में एक ताबीर आती है और बड़ी दिलनवाज़ ताबीर है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ में का मिन का परवरदिगार मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ यानी खुदा के गज़ब से बचने के लिए भी कोई और दामन नहीं है कि आदमी उसमें छुप जाए अगर किसी शख्स को अंदेशा हो कि मेरे ऊपर कोई आफत टूटने वाली है तो वो तलाश करता है ना कि कोई पनाह की जगह मिले बच्चे को आप देखिए ख़तरा महसूस करता है तो माँ के दामन में पना लेता है लेकिन माँ ही से अगर गु़स्से का अंदेशा हो या नाराज़ी का अंदेशा हो तो फिर कहाँ जाएगा तो अल्लाह के गज़ब से पनाह भी उसी के दामन में ढूँढना होती है उन्हें एहसास है कि उनका हर कदम दर हकीकत उसी की तरफ उठता है वो यहाँ भी उसी के हैं और वहाँ भी उसी के होंगे कोई दूसरा कहीं भी उनके काम ना आ सकेगा ये है वो चीज़ जिसको इस्लाम चाहता है कि बंदा अपने अकीदे में इख्तियार करे अपने अमल में इख्तियार करे अपनी रूह की अमाक में उतारे अपने दिलो दिमाग को इस पर रासिक कर ले यही सच्चा इल्म है और यही दीन का असल पैगाम है यानी मेरा एक परवरदिगार है एक दिन मुझे उसके सामने जवाबदेह होना है और वही तन्हा उस सारे दिन का मालिक है वहाँ उसके फैसलों पर किसी में यारा नहीं होगा कि असरअंदाज हो सके वो जो कुछ फरमाएगा वही नाफिज होगा और मैं हूँगा और मेरा मालिक होगा और अगर मैंने कोई गलती की है कोताही की है तो बस उसी के हुजूर में मुझे अर्जदाश पेश करनी है वही माफ़ करेगा तो करेगा और अगर किसी को भी मेरे हक़ में कुछ कहना है तो उसके ईज़न से कहेगा उसकी मर्जी से कहेगा ये वो जगह है जहाँ जब बंदा मोमिन खड़ा हो जाता है तो फिर सच्चा खुशू पैदा होता है और सच्चे खुशू का नतीजा एतराफ़ हक़ है इसको क़ुरान मजीद ने यहाँ नुमाया किया है और बिलखसूस जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया के लिए नुमाया किया है उन्हें बताया है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारी क्या ज़िम्मेदारी है इसके बाद फिर ख़िताब का अदा किया या बनी इसराइल मत कुरु अनाम तो व अन्नी फ़द्दल तो कुम कुम्लामीन ए बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी ये यहूद को एक मरतबा फिर मुखातब किया यानी को सूरा का उसलूब ये है कि या बनी इसराइल क्या के मुख़ातब किया इस सिलसिला बयान में कुछ बातें कहीं उसके बाद जैसे ख़तीब दोबारा मुखातब करता है लोगों मेरी बात सुनो उसी तरह दोबारा खिताब किया मैंने लिखा है यहूद को असर नव मुखातब करके ये एक मरतबा फिर उन्हें बताया गया है कि दुनिया में जो कुछ फजीलत भी तुम्हें हासिल रही है महज़ अल्लाह ताला की इनायत से हासिल रही है ये जो फ़जीलत जिसका जिक्र पीछे भी हो चुका वहाँ जब ख़िताब शुरू हुआ था तो वहाँ भी इसी का हवाला दिया था यानी अल्लाह ताला ने दुनिया की सब कौमों में से उनका इंतखाब किया और किस मकसद के लिए इंतखाब किया नबूवत और रसालत के लिए नबूवत और रसालत के लिए पहले अफराद का इंतखाब किया जाता था फिर पूरी कौम का इंतखाब कर लिया गया ये मामूली मनसब नहीं है बड़ा शरफ़ है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया यानी उसके बाद देखिए आप इस सुरह में जब आगे जिक्र आएगा कि किस तरीके से उनको निकाला गया किस तरीके से उनको फ़लस्ती में आबाद होने का हुक्म दिया गया किस तरह से सलवा उन पर उतरा किस तरह से पहाड़ों में से चश्मे उनके लिए फूटे यानी बड़े गैर मामूली मामला हैं वही मामला है कम बेश जो अल्लाह अपने पैगम्बरों के साथ करता है तो एक पैगंबर की मौजूदगी में पैगंबर की रहनुमाई में और ये रहनुमाई उनको फिर कई हज़ार साल तक मुसलसल हासिल रही वो इस खिदमत के लिए चुने गए तो यहाँ फिर उनको याद दिलाया है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम अपने इस इतखा को अपना इसतक समझ बैठे हो ये अल्लाह की इनायत थी दुनिया में जो कुछ फजीलत भी तुम्हें हासिल रही है महज़ अल्लाह ताला की इनायत से हासिल रही है इसमें ना तुम्हारे इसका को कोई दखल है और ना तुम्हारी ख़ानदानी शराफत को यानी ये मसला नहीं है कि इब्राहिम की औलाद हो इसलिए नहीं इब्राहिम की औलाद की हैसियत से ये इंतखब भी मेरट पर हुआ है चनाचे इसको बयान करेगा आगे कुरान मजीद कि इब्राहीम ने क्या किया था जिसके बाद हमने ये शरफ़ उसको और उसकी औलाद को बख्शा तो ये बताया है यहाँ भी उसी की जानब तोज्जो दिलाई कि नमत यम तो मेरी उस नमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी इसमें ना तुम्हारे इसतक को कोई दखल है और ना तुम्हारी ख़ानदानी शराफ़त को इसलिए इसके गुरूर में मुबला होकर उस दावत से मोना मोड़ो जो इस वक्त तुम्हारे सामने पेश की जा रही ये बात है जो उन्हें कही गई फिर तो फरमाया और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी थी यानी मेरी इस नेमत का याद करो और इस बात को भी मैंने इस पर लिखा है ये आम के बाद ख़ास का जिक्र है यानी पीछे तो नेमत का जिक्र किया और उसके बाद उस नेमत का जो एक ख़ास पहलू है उसको नुमाया ये आम के बाद ख़ास का जिक्र है और उस इजमाल की वजाहत है ज़ाहिर बात है कि नमत से ये वाजे नहीं होता कि क्या नमत और उस इज़माल की वजाहत है जो लफ्ज़ नमत में मौजूद है यानी सारी दुनिया के लोगों को छोड़ कर सिर्फ तुम्हें ये शरफ़ बख्शा कि तुम लोगों पर मेरे गवाह बनो और मैं तुम्हारे साथ होकर तुम्हारे ज़रिए से उन पर अपनी खुजत पूरी कर दूँ यानी अल्लाह की ये जो स्कीम है कि दुनिया के अंदर उसने इंसानों को एक साल फितरत दी असल दीन के हकायक उनकी फ़ितरत में इ्हाम कर दिए उसम को इजमाल के साथ इंसान जैसे ही शोर को उम्र को पहुँचता है ख़ुद समझ लेता है लेकिन उसकी तस्कीर के लिए उसकी याद दहानी के लिए उसके तकाज़ों को समझाने के लिए उसकी तफसीलात के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरी का सिलसिला जारी किया और आलमी सतह पर उस पैगम्बरी के लिए यानी कौमों के लिए पैगम्बर आए अलग अलग अव के लिए फिर आलमी सतह पर इतम हजरत के लिए बनी इसराइल का इंतबाब किया गया तो ये कोई मामूली शरफ़ नहीं था इसको कुरान बयान करता है वानी फ़द्दल तो कुमलामीन और मैंने दुनिया वालों पर फजीलत दे के तुम्हारा इंतख्य किया कि तुम मेरे गवाह बनकर खड़े हो तो इसको याद दिलाया और फिर इरशाद हुआ कि वत तज़ी नफसन नफसिन शैन वलायुक बलो मिन हा शफ़ा वलायु खजो मिन आदल वला हम और उस दिन से डरो और उस दिन से डरो यानी इस दावत को कबूल करो और इसके मामले में उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अपने अमाल की जवाबदेही करनी है ये मैंने उसकी वजात की है यानी इस दावत को कबूल करो और इसके मामले में उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अपने अमाल की जवाबदेही करनी है और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आएगा और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और न उससे कोई मुआवज़ा लिया जाएगा और ना लोगों को कोई मदद ही मिलेगी यानी इसके बाद क्या रह गया वही कि तन्हा खुदा के सामने पेश होना होगा उसी की रज़ा के सामने सर झुकाना होगा उसी का फ़ैसला नातिक होगा वहाँ कोई दूसरी चीज़ काम ना आ सकेगी एक, एक चीज़ को गिन दिया कोई शख्स किसी के काम ना आएगा किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी हाँ सिफारिश कबूल करने का मतलब क्या है यानी कोई आगे बढ़ के ख़ुद नहीं कह सकेगा कि मेरी बात सुन लीजिए या इनके साथ ये रियायत फरमाइए अल्लाह का इज़न होगा यानी जब वो फैसला कर लेंगे कि कोई रियायत देनी है फिर शर्फ बख्शेंगे कि कोई दूसरा भी कुछ कहे इससे पहले कोई किसी के काम ना आ सकेगा ना किसी से मुआवजा लिया जाएगा ना लोगों को कोई मदद मिलेगी इस पर अलबैन का नोट है यानी इस ख़्याल में ना रहो कि तुम चूँकि इब्राहीम और और याकूब जैसे अम्बियाँ की औलाद हो इसलिए रोज़े क़यामत तुम्हारी निजात के लिए इन बुज़ुर्गों की ही काफ़ी है याद रखो वहाँ अमल के सिवा कोई चीज़ भी तुम्हारे काम ना आ सके यानी बनी इसराइल के यहाँ जो खराबियाँ पैदा हुई उनमें से एक बड़ी खराबी जो इस सूरह में जेर बहस है और जो बायस बन गई उनके इनकार का वो यही थी उन्होंने इसको अपना इस्तेहक समझ लिया खुदा का इंसाफ और खुदा का, का कानून बेलाग है उसके फैसले मेरठ पर होते हैं वह आन अदल के मुताबिक फ़ैसला सुनाएगा ये हक उनके निगाहों से ओजल हो गए अपना इसक समझ बैठे और उसके नतीजे में फिर उन्होंने इससे पहले भी अम्बिया के मुकाबले में सरकशी दिखाई और इस वक्त रसूल मुकाबले में भी सरकशी दिखा रहे थे तो इर्शाद फरमाया कि उस दिन से डरो वो दिन आने वाला है वाइज़ नई ना कुमिल फ़िरौन युसु मु नुम सू अज़ यु ज़ब्ब कुम वसाकुम और याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से छुड़ाया असल में लफ् आल इस्तेमाल हुआ है मैंने लिखा है फ़िरौन के लोगों यानी असल में इसके लिए लफ्ज़ आल इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद महज औलाद नहीं होती यानी ये करीना बताता है औलाद भी होती है जिस तरह के जो हम दरूद पढ़ते हैं जो रसूल सल्लम ने सिखाया है कि सल अला आल इब्राहीम तो वहाँ आल से मुराद ख़ानदानी है ये करीना एक कलाम से मालूम होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि लफ्स के अंदर ये तहदीद है कि वो सिर्फ़ औलाद के लिए आता है नहीं इससे सिर्फ औलादी मुराद नहीं होती बल्कि करीना मौजूद हो तो अरबी ज़ुबान में ये लफ्स किसी बड़े आदमी की औलाद कौम कबीला और पैरोकार सबको शामिल होता है यानी बड़े वसी मानी में आ जाता है यहाँ और इसके बाद तारीख बनी इसराइल के जिन वाक़ात की तरफ इशारात किए जा रहे हैं यानी अब चूँकि बनी इसराइल की तारीख़ के हवाले से बाज वाकयात की तरफ मुखसर मुखसर इशारे आएंगे कहीं तफसील होगी ज़्यादातर इशारे आएंगे यहाँ और इसके बाद तारीख़ बनी इसराइल के जिन वाकयात की तरफ इशारात किए जा रहे हैं ये उनकी तारीख़ के नहायत मशहूर वाकयात हैं जिनसे उनका बच्चा बच्चा वाकिफ़ था इसलिए इनकी तफसील की ज़रूरत न थी असल में ये वो चीज़ है जिसको मैंने उसूलों व में बयान किया है कि कुरने मजीद को इस हाज़िर में जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ से खड़े हो ना देखिए सबसे पहले ये मुतिन कीजिए कि उसका मुखातब कौन है सूर्य बकरा के मुखातब अगर यहूद हैं यहाँ तो जाहिर है कि यहूद से खिताब करते वक्त उनकी तारीख़ के जो बड़े बड़े वाक़ हैं उनकी तफसील की ज़रूरत नहीं होगी जिस पहलू की तरफ इशारा करना है बस काफ़ी यानी अगर अफ्रीका के किसी अजनबी जंगल में जाकर गुफ्तु की जा रही है तो वहाँ नौीयत बिल्कुल और होगी लेकिन मुसलमानों को ये बताने के लिए कि बगदाद में क्या हुआ कुरतबा में क्या हुआ आसपानिया में क्या हुआ ये सब जो कुछ भी है इसमें बास चीज़ों की तफसील की ज़रूरत नहीं है बच्चे बच्चे को मालूम है कि अब्बासियों की हुकूमत कायम थी उम्मियों की हुकूमत कायम थी मुसलमानों का जाह जलाल कायम था स्पेन में वो हुकूमत कर रहे थे उसके बाद तुर्कों की हुकूमत कायम हुई और फिर स्स्मानियों के जाह जलाल को दुनिया ने देखा ये तारीख़ की मालूम हकीकतें हैं या जैसे मुग़ल दौर है यानी उसके आम तौर पर जो बड़े बादशाह उनके नाम लोगों को मालूम है बड़े बड़े वाक़ात से भी आगा है तो इस तरह के मौक़ों पर एक अच्छा खतीब इशारा करता है तो कुरान मजीद ने भी ऐसा ही किया है हाँ यही दास्तान अगर उन लोगों को ख़िताब करके सुनानी हो जो वाकिफ़ ना हो तो फिर तफसीत की ज़रूरत होगी तो ये चीज़ है जिसको समझना चाहिए जिस तरह मैंने इस जानब तवज्जो दिलाई कि नमाज ज़क़़़़़त हज ये दीन की हमेशा से मुतय्यन मालूम मालूम असिलाहत हैं इनको किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल उसी तरीके से ये जो वाक़ हैं इनसे भी वो लोग वाकिफ़ थे ये उनकी तारीख़ के नहायत मशहूर वाकियात हैं जिनसे उनका बच्चा बच्चा वाकिफ़ था इसलिए इनकी तफस की ज़रूरत न थी फिर ज़माना नज़ूर क़ुरान के बनी इसराइल चूँकि उन्हें अपना सरमाया मुबाहत समझते थे यानी यही वाक्यात थे जिनके हवाले से वो ये बयान करते थे कि ये हमारी कौम है ये हमारा मामला है हमारे आप देखिए हर दूसरा कलम नगार आपको याद दिलाएगा कि मुसलमानों की अजमत रफ्तार क्या शान थी और मुख्तल पहलुओं से उसको बयान करेगा तो ये हर कौम के यहाँ ये चीज़ होती है इस बिना पर कुरान ने उन्हें इस तरह पेश किया है कि गोया ये उन्हीं के साथ पेश आए हैं इतमाम हजत के नुकतः नज़र से ये उसलूब अगर गौर कीजिए तो नहायत मौसर है यानी यहाँ यहूद मदीना में है जमाना नजूल कुरान के यहूद हैं उनको ख़िताब करके कहा तुमने ये किया तुम्हारे साथ ये हुआ तो ये उसलूब किसी कौम को बैसीत कौम मुखातब करने के लिए इख्तियार किया जाता है चूंकि वह उस सारी तारीख को अपनी तारीख़ समझती है जैसे आज के मुसलमानों को हम कहें कि मुसलमानों तुम जानते हो कि तुमने क्या रवैये अख्तियार किए जिसके नतीजे में मैं कुर्तबा में जवान आया तो ये बिल्कुल सही उसलूब होगा अदब के लिहाज से तो कुरान ने भी यहाँ यही उसलूब इख्तियार तो इर्शाद फरमाया कि वई नई नुम मिला फ़िरन युम सो अल अज़ाब और याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से छुड़ाया वो तुम्हें बुरे अजाब छिकाते थे युज्ब बेहू नाकुम व यस्तून न तुम्हारे बेटों को जिबा कर देते थे और तुम्हारी औरतें जीती रखते थे मैंने लिखा है ये उस अजाब की तफसील है जिसमें फ़िरौनियों के हाथों बनी इसराइल मुब्तला हुए और जिसे इस आयत में अजाब से ताबीर किया गया है यानी पीछे ये बयान फरमाया है कि ये सूनकुम अजाब फिर उसकी वजाहत की है कि इससे बढ़ कर बुरा अजाब क्या होगा कि तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी औरतें जीती रखते थे फ्रौनी हर तरह के अजाब उनको देते थे कुरान ने ये उनमें से सबसे बड़े अजाब का जिक्र किया है यानी बेगार में पकड़ा हुआ था ग़ुलाम बनाया हुआ था हर तरह की अज़ियतें देते थे और उन अजियतों की तफसील कुरान में भी मौजूद है और बड़ी वजाहत के साथ बाइबल में भी है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी उसको कुरान ने नुमाया करके बता दिया है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी इसमें ये जो फरमाया कि बेटों को ज़िबा करते थे और औरतें जीती रखते थे बेटिया नहीं कहा बेटों को ज़िबह करते थे और औरतें जीती रखते थे मैंने लिखा इसमें बलागत का ये नुकता मलहूज रहना चाहिए कि लड़कों को बा करने का ज़िक्र बेटों के लफ्ज़ से हुआ है और लड़कियों को ज़िंदा रखने का जिक्र करते हुए तुम्हारी औरतों के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं दरअले कि वो भी बच्चियाँ ही होती थी पहली तबीर अगर गौर कीजिए तो शफकत पदरी का जज्बा उभारती है यानी जाहिर है कि जब कहा जाता है तुम्हारे बेटों को तो इससे मकसूद क्या है कि ये बताया जाए कि बाप की हैसियत से तुम्हारे साथ क्या होता था और दूसरी गैरत को हरकत में लाने का बायस बनती है तो ये चीज़ है कि जिसको नुमाया किया है ताकि ये उन्हें एहसास हो कि किस दर्जे का अजाब था जिसमें वो मुबला कर दिए गए थे तुम्हारे बेटों को बा कर देते थे और तुम्हारी औरतें जीती रखते थे और उसके बाद इरशाद हुआ व फ़ीज़ाल बलाउम रब कम अजीम इसमें लफ्ज़ बला है या याजदाद में से है इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है कि इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी और ये भी हो सकता है कि इस अजाब से छुड़ाने में तुम्हारे परवरदिगार कि तुम्हारे ऊपर बड़ी इनायत थी तो मैंने दूसरे को तरजीह दी है और इससे पहले भी बहुत से मुतरजमीन ने इसको तरजीह दी है शाह अब्दुल्कर का तर्जुमा भी यही है और मक्शी के यहाँ भी ये मालूम होता है कि यही चीज़ से तरजीह है उसकी वजह यह है कि यहाँ अल्लाह ताली इम्तना एहसान का ज़िक्र कर रहे हैं यानी असल में जो वईज़ नजीन कुम मिल फ़िरा है जुमले का असली ज़ोर उसके ऊपर है तो उसके लिहाज से ये काबिल तरजीह हो जाता है ये वजह है इसकी तो इरशाद फरमाया कि ये जो अजाब से छुड़ाया तुम्हें यानी इतने शदीद अजाब में तुम मुब्तला किए गए थे इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तुम्हारे लिए बड़ी हिनायत थी बलाओ मिन बलाउमिन रबिकीम इसमें यह बात भी मर्ज कर दूँ कि जो उसलूब इख्तियार किया गया है वो इस दूसरे ही मानी के लिए मौजू है यानी जाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ़ से ये आजमाइश या इम्तहान नहीं था बल्कि एक अजियत थी जो उन्हें दी जा रही थी एक सज़ा थी जिसमें मुबला कर दिए गए थे और उससे अल्लाह ताला ने उनको निजात नजात अता फरमाई वइज़ फ़रकन फ़रकना बहरफ बहरफ़ान जई अला फ़िरौन व अंतुम तनजरून यानी पहले एक एहसान जताया उसकी तरफ तोज्जो दिलाई फिर उसके बाद दूसरा इरशाद फरमाया और याद करो जब हमने तुम्हें साथ लेकर दरिया चीर दिया यानी ये बिल्कुल आखिर पे कुरान ने पहुंचा दिया ये आजाद था इससे निजात दी और फिर जब उसने पीछा किया जाहिर है कि इस वाक्य से वो आशनात थे तफसील नहीं की दरिया चीर दिया मैंने इस पर लिखा है कि असल में फ़रकना बेकुम के अल्फाज आए हैं इन में बे जिस मफहम पर दलालत करती है उसे खोल दीजिए यानि फ़रकना बेकुम ये जो बे है ये जिस मफहम पर दलालत करती है उसे खोल दीजिए तो गोया पूरी बात यह है कि जिस तरह कोई किसी को गोद में उठाकर दरिया पार करा दे इसी तरह हमने तुम्हें साथ लेकर दरिया को पहाड़ते हुए उसके पार करा दिए ना फरकना बेकुम बे ने यह मजमून अपने अंदर से बयान कर दिया तुम्हें गोद में लेकर अपने दामने रहमत में लेकर तुम्हें दरिया पार करा दिया बड़ी इनायत का मजमून है जिसको हम उर्दू में उस तरह अदा नहीं कर सकते जिस तरह के अरबी ने उसको अदा कर दिया और याद करो जब हमने तुम्हें साथ लेकर दरिया चीर दिया फ़ान जईना कुम व गरक आला फ़िरन व अन तुम तनजरून और इस तरह तुम्हें बचा लिया और तुम देख रहे थे कि फ़िरौन के लोगों को हमने गर्क कर दिया यानी तुम्हारे सामने उसी दरिया में गर्क कर दिया एक तरफ तुम्हें नजात दी दूसरी तरफ उनको गर्क कर दिया वही इस बात न मुसा अर मई ना लई लतन सुमत खस्तुम तुम ज़ालिमून और इशाद फरमाया कि याद करो जब हमने मूसा से चालीस रातों का वादा ठहराया ये असल में तरीका ये इख्तियार किया है जिस तरह के खतीब करता है एक वाक्य दूसरा वाक्य तीसरा वाक्य याद, याद करो याद करो याद करो ये तरीका इख्तियार किया अब उसके बाद फरमाया कि याद करो जब हमने मूसा से चालीस रातों का वादा ठहराया ये किस वाक्य की तरफ इशारा है इस प्रल बयान का नोट है ये उस वादे की तरफ इशारा है जो दरिया पार कर लेने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी शरीयत देने के लिए फरमाया यानी एक मरहला वो था जिसमें सैदना मूसा इस्लाम की बेसत हुई उन्होंने फ़िरौन पर इतमाम हुज्जत किया उसके बाद ये मुतालबा उसके सामने रख दिया कि बनी इसराइल को मुझे लेकर जाना है बनी इसराइल के लिए तय कर दिया गया था कि वो फ़लस्तीन में आके आबाद होंगे इस इलाक़े को उनके लिए खाली करा लिया जाएगा और इस जगह वो अल्लाह का महबत बनाएंगे और यहीं से गोया पूरी दुनिया के सामने अल्लाह की हजत बाजी की जाएगी ये उस वादे की तरफ़ इशारा है जो दरिया पार लाने, कर लेने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी शरीयत देने के लिए फरमाया फ़रमायानि सैदना मूसा इस्लाम के ज़रिए से इस वादे की तरफ़ उनको लाया गया फिर फ़िरौन गरकब हो गया वो यहाँ पहुँचे और अब अगला मरहला आ गया कि जिसमें अल्लाह शरीयत देने का फ़ैसला किया बनी इसराइल के यहाँ जो शरीयत के इबादत से मुतलक अहकाम हैं वो तो इब्राहिमी दीन की रवायत की हैसियत से जारी थे चुनाच कुरान हमें ये बताता है कि उनमें अगर कोई कोताही हो रही थी तो सैद नमूसी ने उनका इजाला कर दिया उनके लिए मज़ीद कोई हुक्म देने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन बनी इसराइल को जो मनसब दिया गया और जिस तरह से अब गोया उनकी एक हकूमत कायम हो गई तो इज्तमाही ज़िंदगी और उस मनसब के तकाजे से जो अहकाम देने थे वही तोरात का मौजू है यानी तौरात एक ख़ास पहलू से दीन को बयान करती है चुनाचे उन अहकाम की उसमें तफसील की गई है तो ये शरीयत देने के लिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ वादा कर रखा था ये उस वादे की तरफ इशारा है जो दरिया पार कर लेने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी शरीयत देने के लिए फ़रमाया चालीस रातों की ये मददत ये जिक्र की ना ऊपर और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया 40 रातों की ये मुद्दत उस जहनी और कल्बी तैयारी के लिए थी जो किताब इलाही का हामिल बनने के लिए ज़रूरी थी यानी गोया सैदना मूसा इस्लाम को शरीयत दी जा रही थी एक नज़म उनकी क्यादत में कायम हो रहा था उसके लिए अल्लाह तरबियत की गरज से उनको चालीस दिन के लिए बुला लिया हमारे यहाँ भी इस तरह की जहनी यकसुई के लिए एहतिकाफ़ का तरीका है जो दस दिन का भी होता है बीस दिन का भी होता है रसालत माँ आप भी हमेशा इसका अहतमाम करते रहे जो जिम्मेदारी नबूवत की इन पैगम्बरों पर डाली गई उसको अदा करने के लिए क्या करना चाहिए क़ुरान मजीद ने बताया है तहजद की नमाज़ का अहतमाम करो रात को ज़्यादा देर तक खड़े रहा करो इसी तरह अहतकाफ़ रसूल सल्लम के लिए गोया एक मामूल की चीज़ थी हमेशा ही आप इतक करते थे सैदना मूसा को भी इसी नौत की इबादत के लिए यकसुई के लिए तरबियत के लिए ततहीर कल्ब के लिए बुलाया गया चालीस रातों की ये मदत और तो जहनी और कलबी तैयारी के लिए थी जो किताब इलाही का हामिल बनने के लिए ज़रूरी थी पहले ये वादा तीस दिनों का था लेकिन सैदना मूसा इस्लाम वक्त मकरर से पहले पहुँच गए यानी हुआ ये कि तीस दिनों के लिए बुलाया गया लेकिन वो शौक़ मुलाकात में जो वक्त मुकर किया गया तो उससे पहले ही चले गए उनकी इस जल्दबाज़ी के बायस अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत के लिए ये मदत तीस दिनों से बढ़ाकर कर चालीस दिन कर दी शूरा आराफ़ की आयत एक सौ बयालीस में अल्लाह ताला ने इसकी वज़ाहत कर दी है यानी इसकी वज़ात दूसरी जगह हुई है यहाँ पर इजमाल से ये बयान किया गया है कि याद करो जब हमने मूसा से चालीस रातों का वादा ठहराया सुमत्तख तुम्लेजलाम बा ही फिर उसके पीछे यानी मूसा सलाम गए फिर उसके पीछे तुमने वो बछड़ा बना लिया वो बछड़ा बना लिया यानी बयान करने की ज़रूरत नहीं है मुखातबीन जानते हैं कौन सा बछड़ा बनी इसराइल की तारीख़ में ये एक मालूम मारूफ बात थी वो बछड़ा बना लिया और उस वक्त तुम अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे थे सुम फुना कुमबाद जाले का लाअम तश्कर फिर इसके बाद भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया इसलिए कि शायद तुम शुक्र करने वाले बन जाओ यानी यहाँ भी बिलजमाल इशारा किया है इतने बड़े गुनाह का इरतक किया उसमें सज़ा भी दी गई लेकिन बैसीत कौम अल्लाह उस मनसब से माज़ूल नहीं किया बल्कि ये कहा क्या जिम्मेदारी को अदा करने की तैयारी करो उस माफ़ी का यहाँ जिक्र है और उसी पर शुक्रगुजारी की तलकिन की गई है इस परालब्यान का नोट है बाइबल की किताब खरूज में बछड़ा बनाने का यह वाक़ तफसील के साथ बयान हुआ है यहूद ने अगरचे इसमें सैदना हारून असलाम को भी मुल्व कर दिया है ये बदकस्मती है कि उन्होंने इसका इल्ज़ाम सैदना हारून पर लगा दिया लेकिन कुरान ने दूसरी जगह इसकी तरदीद कर दी तो बाइबल का इकतबाश ये है और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वह हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क के मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया तब खुदावंद ने मूसा को कहा नीचे जा क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क के मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये यह भी कहा कि अय इसराइल ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया और खुदावंद मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दन कश कौम है इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब इन पर बढ़ और मैं इनको बसम कर दूँ ये बाइबल में इस वाक़ का बयान है इसकी कुछ हम मज़ीद तफसील भी करेंगे अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया इन आयात का सादा तर्जुमा सुन लीजिए एर फरमाया है ए बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी थी और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आएगा और न उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और, और न उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा और न लोगों को कोई मदद ही मिलेगी और याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से छुड़ाया वो तुम्हें बुरे अजाब से खाते थे तुम्हारे बेटों को जबाह कर देते थे और तुम्हारी औरतें जीती रखते थे और तुम्हें इस अजाब से छुड़ाने में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी इनायत थी और याद करो जब हमने तुम्हें साथ लेकर दरिया चीर दिया और इस तरह तुम्हें पार और इस तरह तुम्हें बचा लिया और याद करो जब हमने तुम्हें साथ लेकर दरिया चीर दिया और इस तरह तुम्हें बचा लिया और तुम देख रहे थे कि फ़िरौन के लोगों को हमने तुम्हारे सामने उसी दरिया में गर्क कर दिया और याद करो जब हमने मूसा से चालीस रातों का वादा ठहराया फिर उसके पीछे तुमने वो बछड़ा बना लिया और उस वक्त तुम अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे थे फिर इसके बाद भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया इसलिए कि शायद तुम शुक्र करने वाले बन जाओ अकूलो कौली हाजा ली बस्तखरल